हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग जानेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर जो पूछा जाए ट्रायल बैलेंस क्या है, तो बस एक जवाब आनी चाहिए कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन किया हो उस ट्रांजेक्शन का समरी, यानी कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस अगर हमको शो कराना है, और शो कराने के बाद चेक करें हमको जनरल एंट्री पास करना है, फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होनी चाहिए? डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? हमेशा इक्वल होना चाहिए। क्लियर है ना? जो हमने आपको बताया था कि अगर जो आप नोट्स में कुछ फॉर्मेट में देखेंगे ना, तो कुछ फॉर्मेट अभी गलत है, लेकिन फिलहाल हाँ एक ये समझिए कि जब भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस क्या होगा? इक्वल आएगा। जैसे सपोज हम एक बस एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारा डेबिटर्स है ये क्या हो जाएगा? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट होगा। डेबिटर्स क्या होगा? क्रेडिटर्स क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि देने वाला क्या हो जाएगा? कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। ड्राइविंग क्या होगा? डेबिट। ड्राइविंग डेबिट क्यों होगा? क्योंकि अगर जो देखा जाए ड्राइविंग पाने वाला हो रहा है ना, ड्राइविंग एक कौन सा पर्सनल अकाउंट का है ना, पर्सनल अकाउंट में बिजनेस दे रहा और कैपिटल पाने वाला हो रहा है, तो पाने वाला इसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। अगला दिया कैश बैलेंस, आपके पास कैश यानी कि आपके बिजनेस में है, तो जो धन या वस्तु बिजनेस है उसे क्या कहेंगे? डेबिट। यही होगा ना? फिर आ दिया परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न और सेल्स। परचेज रिटर्न का मतलब होगा जो आपने गुड्स खरीदा। अब सबसे पहले आप समझिए रिटर्न वाला, रिटर्न क्या ट्रांजेक्शन है? कि जब हम कोई गुड्स खरीदे किसी कारण से हम अपने सप्लायर को उसको क्या करेंगे? वापस करेंगे। उसको क्या करेंगे? वापस। तो जब हम वापस करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए अभी हम ये कह दिए परचेज गुड्स, हम क्या कर लिए? परचेज गुड्स। हम मान लेते हैं आपने गुड्स खरीदा कितने रुपए का? 1000। कितने रुपए का खरीदे? 1000। परचेज गुड्स एंड पेमेंट बाई कैश, तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? पहला परचेज का और दूसरा कैश का। अब आप बताइए परचेज अकाउंट किस अकाउंट का है? नॉमिनल का है ना, तो नॉमिनल रूल के हिसाब से इसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, क्योंकि परचेज करें तो व्यय हो रहा है, और नॉमिनल का रूल है कि जब धन या वस्तु क्या हो, व्यय हो, उस समय हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। और फिर कैश रियल अकाउंट पे, और रियल अकाउंट में जब कोई धन या वस्तु बिजनेस में आता है तो क्या करते हैं? डेबिट। और जाता है तो जब हम परचेस करें तो कैश जा रहा है बिजनेस से ना, तो कैश जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। जो हम परचेस किए थे कितने रुपए का परचेस किए थे? 1000। एग्जांपल के तौर पर हमने मान लिया कितने रुपए का? 1000। और किसी कारणवश कोई ऐसा कारण हुआ कि उसमें से हम 500 का गुड्स क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। 500 का गुड्स क्या कर रहे हैं? वापस। जैसे सपोज करिए बिल्कुल एक सिंपल उदाहरण ले लेते हैं, अभी हम गए थे पडरौना में किसी दुकान पे, वहां से हमने क्या खरीदा? 2 कंप्यूटर खरीदे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, क्या खरीदे? 2 कंप्यूटर। जो अपने बिजनेस में जब लेके आए ना, तो एक कंप्यूटर हमको खराब मिला, तो वापस करेंगे ना? जब वापस करेंगे, हम खरीद के लाए और वही वापस करें, तो हमारा परचेज रिटर्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न। तो वही हम यहाँ समझे, हम परचेज किए 1000 का, और 1000 में से 500 का सामान गलत है, खराब, उसको वापस करना है, तो पहला तो अकाउंट बनेगा परचेज रिटर्न का, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं ना, वापस कर, पहला किसका बनेगा? परचेज रिटर्न। क्या कैश बेसिस पे ही हुआ था ना? दूसरा किसका बनेगा? कैश का। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाइएगा, परचेज किए थे तो वो हमारा व्यय हुआ था, परचेज किए थे क्या हुआ था? व्यय। जब रिटर्न किए तो वो गुड्स हम उसको दे रहे हैं ना, गुड्स दे रहे, तो उसके बदले हमारा हमको पैसा देगा, उसमें इनकम हो रहा है ना। परचेज करते समय हमने इसको डेबिट किया था, रिटर्न करते समय इसको क्या करेंगे? जब 500 का गुड्स इसको वापस कर, 500 का वो हमको देगा ना, तो 500 कैश जो बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो आ रहा, इस समय इसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट हो। क्यों डेबिट होगा? अगर जो हम एक मार्कर पेन ही खरीदे हैं तो हम 10 रुपए उसको दे दी, तो बिजनेस से कैश चला गया, जब इसको वापस वो कैश हमको दे रहा है ना, फिर कैश वापस हमारे बिजनेस में आ रहा है ना,
जब कोई धन अवश्य बिजनेस में आता है तो उसको क्या करते हैं? अभी गधे रिटर्न और परचेज में अंतर नहीं समझा रहा है। रिटर्न का मतलब वापस होता है। अगर जो तुम चले जाओ किसी दुकान पे, दो मार्कर पेन खरीदो, सपोज करो दो मार्कर पेन तुमने खरीद लिया कितने रुपए में? 20 रुपए में। कितना में? 20 रुपए। तो कैश तुम्हारे बिजनेस से 20 रुपए गया ना, गया कि नहीं गया? और तुम परचेज किए हो तो ये तुम्हारा डेबिट हुआ है ना, तो ये डेबिट हुआ और ये तुम्हारा क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। किसी कारण से तुम उसको वापस कर दो, तो जब वापस उससे 10 रुपए लोगे ना, उसे 10 रुपए लेके वैसे छोड़ देंगे, लेंगे ना, तो 10 रुपए बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? वो 10 रुपए पुनः वापस तो रिटर्न आ रहा है ना। जब कोई धन अवस्थ बिजनेस में आता है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे ना। फिर वो कैश हमारे पास पुनः वापस लौट के 10 रुपए आ रहा है ना, जब वापस आया तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। और जो परचेज किए तो उसमें व्यय हुआ था, एक्सपेंस हुआ था ना, और उसमें जब उसी को वापस में अब व्यय नहीं हो रहा है ना, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला अकाउंट जो हमारा गुड्स है उसका अकाउंट तब क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और जो कैश वो हमारा तब क्या हो जाएगा? अब क्लियर हो रहा है परचेज रिटर्न वाला? रिटर्न का इतना समझ लीजिए, और जो ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो कभी भी जब परचेज होगा तो परचेज का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, ये हमने आपको बताया है। कभी भी परचेज जब हो तो आप उसके अकाउंट को डेबिट करिए, और वही जब परचेज रिटर्न हो जाए, शब्द क्या आ जाए? परचेज रिटर्न, तो उसके अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना। अब क्लियर है ना? क्योंकि जब परचेज किए थे तो व्यय हुआ था, जब वही वापस करेंगे तो क्या होगा? आय हो। अब कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ना? तो परचेज रिटर्न के क्लियर हो रहा है ना? फिर कह रहा है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न जब हम सेल करते हैं कोई गुड्स, क्या कर दी? सेल कर दी, तो इनकम होता है ना, इनकम होता है, इसके अकाउंट को क्या करते हैं? और कैश बिजनेस में आता है कैश, उसको क्या करते हैं? डेबिट। यही करते हैं ना, कैश को क्या करते हैं? अब आप बताइए, 100 रुपए का कोई सामान मुझे सेल कर दिए हैं और आपके पास वो आया वापस करने के लिए, आप 50 रुपए उसको दोगे ना? किलो आप 50 रुपए का गुड्स हमको दे, 50 रुपए अपना कैश लेके जाओ, तो 50 रुपए कैश हमारे बिजनेस से जा रहा कि आ रहा है? अब तो जा रहा है ना, तो अब यहाँ पे सेम अपोजिट हो जाएगा, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा क्या हो रहा है? हाँ नहीं हो रहा, डेबिट। और उसका कैश हमारे बिजनेस से जा रहा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्योंकि यहाँ पे कैश क्या हुआ था? डेबिट। और सेल्स क्या हुआ था? तो यहाँ पे सेल्स क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश क्या हो जाएगा? अब क्लियर है ना? अब यदि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न में कोई कंफ्यूजन पूछ लीजिए, हो जाएगा? यानी कि सिंपल समझिएगा, अभी हमने आपको ये बताया कि जब भी हम ट्रांजैक्शन करने जाएंगे जहां परचेज रिटर्न आएगा, तो परचेज रिटर्न डेबिट होगा कि क्रेडिट? क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न क्या होगा? बिल्डिंग, यानी कि आपका एक एसेट्स है और अभी बिजनेस में है ना, तो है तो इसका भी अकाउंट क्या होगा? रेंट पैड, आप किसी को रेंट दे रहे हैं, रेंट पैड का एक्सपेंस हो रहा है ना, और जब एक्सपेंस हो तो इसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और इंटरेस्ट रिसीव, इनकम हो रहा है, कहीं ना कहीं से आपको इंटरेस्ट यानी ब्याज मिल रहा है, इनकम हो तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? इधर हमने किया था इसको डेबिट, इसको क्या किए थे? क्रेडिट। कैपिटल क्या होगा? ड्राइविंग क्या होगा? डेबिट। ड्राइविंग क्या होता है? हमने आपको बताया था, जब कोई बिजनेस का मालिक अपने निजी खर्च के लिए पैसा निकालता है वो क्या कहलाएगा? ड्राइविंग कहलाएगा। अगर जो आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस अपने निजी खर्च के लिए, हम जा रहे हैं पढ़ रहे, वहां हमको चाय नाश्ता करना है, अपना निजी खर्च हुआ ना, जब निजी खर्च के निकाले तो ड्राइविंग उसमें पाने वाला हो रहा है कि देने वाला हो रहा है? पाने वाला है ना। और ड्राइविंग किस अकाउंट का है? हाँ, तो बिजनेस ना देने वाला होगा, ड्राइविंग तो पाने वाला हो रहा है ना। एक बात बताओ, तुम लोग, तुमको अकाउंटिंग टर्म पढ़े हो लोग ना, अकाउंटिंग टर्म पढ़े हो लोग, बताओ अकाउंटिंग टर्म में ड्राइविंग क्या बताया? हाँ,
जब बिजनेस का मालिक अपने निजी खर्च के लिए पैसा निकालेगा तो उसका अकाउंट क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, ड्राइविंग कहलाएगा। तो देने वाला तो बिजनेस हो रहा है ना, बिजनेस ही दे रहा है ना, तो पाने वाला कौन हो रहा है, ड्राइविंग हो रहा है, दोनों पर्सनल अकाउंट का है। तो जब बिजनेस देने वाला इसका अकाउंट क्या होगा और ड्राइविंग पाने वाला इसका अकाउंट क्या होगा, अभी भी कोई दिक्कत है इसमें? अकाउंटिंग टर्म इसीलिए हमने एक एक करके बताया आपको, अकाउंटिंग टर्म में हमने यही बताया था ड्राइविंग ना, कि जब भी बिजनेस का मालिक अपने निजी खर्च के लिए पैसा निकालेगा वो क्या कहलाएगा, ड्राइविंग कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा। अब आप अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, आप ड्राइविंग कहलाएगा, आप पैसा पा रहे हैं कि दे रहे हैं, पाने वाले हो गए ना, तो पाने वाले हैं तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट। अब ड्राइविंग क्यों डेबिट हो रहा है, क्लियर है ना? अब बताओ, क्या हुआ? अबे गधे, वैसे थोड़ी याद करना है, वैसे पहले लॉजिक समझो तुम। हमने ये बताया है कि कभी भी जब बिजनेस का मालिक पैसा निकाले तो ड्रॉविंग कहला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तो तुम खुद अपने ऊपर लो ना, हमारा बिजनेस, हम अपने बिजनेस से पैसा ले रहे हैं, हम ड्राइविंग हो गए, बिजनेस देने वाला है। जब बिजनेस देने वाला है और हम पाने वाले, हमारा अकाउंट ड्राइविंग है और बिजनेस देने वाला, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और हम पाने वाले, हमारा अकाउंट क्या होगा, हमारा डेबिट और बिजनेस का क्रेडिट। अब कैसे डेबिट, जहां डी आए वहां डेबिट करेंगे? अपने ऊपर लो, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं समझा, सिंपली पहले आप अपने ऊपर ले लीजिए। हम ये ट्रांजेक्शन खुद हम कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस से पैसा ले रहे हैं, हमारा अकाउंट ड्राइविंग होगा और ड्राइविंग हम पाने वाला है तो डेबिट होगा क्रेडिट, ड्राइविंग पाने वाला तो डेबिट होगा क्रेडिट। कैश रियल अकाउंट का है और रियल अकाउंट में पैसा क्या होगा, तो डेबिट और डेबिट को जोड़ लीजिए, किसको किसको, डेबिट और डेबिट, और फिर क्रेडिट और क्रेडिट भी जोड़ लीजिए, दोनों तरफ का बैलेंस क्या होगा, इक्वल। पहले समझो मेरी बात। अब इसमें आप लोग नोट्स में देख रहे होंगे ना, तो नोट्स में कुछ ज्यादा इस अमाउंट ले लिया फॉर, तो आप पहले यहां से मैच कराइए ना, सिर्फ यहां से नहीं हो रहा है, तो नोट्स में कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शन छोड़ा होगा, या जिसके यहां समझ लिया, यहां नीचे बराबर दे रहा है ना, तो हो सकता है फर्नीचर छोड़ा होगा, फील्ड बिल्डिंग जो भी दिया इसमें वो छोड़ा होगा यहाँ पे, ये भी नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, पहले समझोगे, अगर जो ये नहीं आ रहा इस वाले से, छोटे वाले से आ रहा समझ में ना, तो हो सकता है इसमें कुछ छोड़ा हुआ ऑप्शन इसलिए नहीं मैच कर रहा, तो नीचे जो छोड़ा ऑप्शन वो ले रहा है ना यहाँ पे, फर्नीचर परचेज परचेज रिटर्न, और यहाँ पे हमने आपको बताया था उस दिन जहाँ परचेज दिया है ना, ये परचेज और ये परचेज रिटर्न लिखवाए थे ना, उसने लिखवाए थे ना कि ये परचेज नीचे वाला क्या होगा, तो पहले हम चेंज नहीं करवाए थे, ट्रायल बैलेंस बताए थे, हम बोले नहीं थे ये पर्ची नीचे वाला पर्ची रिटर्न कर लीजिए, नहीं बोले थे, तब क्या करे, दोनों पर्चे पर्चे दिया, हम पहले दिन बोले नोट्स में कुछ गलत दिया, जहां होगा वैसे हम चेंज करवाएंगे, हम उस दिन बोले भी थे हाँ यहाँ पे पर्ची रिटर्न आप लोग कर लीजिए, आप लोग रट रहे नहीं, सिर्फ दो जगह पर्चेज दिया, परचेज देखिए जहाँ परचेज कर रहे हैं वहां बे हो रहा, तो क्या हो रहा है, ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, और जहाँ पर्चे रिटर्न कर वहां अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो अभी हम बताएंगे जब परचेज करेंगे तो डेबिट होगा, जब पर्चे रिटर्न करेंगे तो क्रेडिट होगा, वही यहाँ पे दिया है ना। हाँ इसमें देखो कुछ ऑप्शन छोड़ा हुआ है, जैसे टाइप करते समय नोट्स बना है ना, तो टाइप करते समय कुछ ऐसा ऑप्शन जो छूट गया जो डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर पा रहा है, समझे? और वही नीचे जो सॉल्यूशन दिया है, नहीं जब ही बताओ, जब इसमें डेबिट, अब सपोज करो कि हम डेबिट क्रेडिट में पहचान कर ले और जोड़ रहे हैं, तो डेबिट का हमने सही पहचान किया, डेबिट का ये और क्रेडिट का ये, तो डेबिट का बैलेंस और जो 10,000 आ रहा है और क्रेडिट का अगर जो 11,000 आ रहा है, तो बताओ हम कैसे उसको सही करें, जबरदस्ती डेबिट को क्रेडिट नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे ना, तो वही जो ऑप्शन ऊपर छूटा हुआ वही नीचे देखो ऐड करके दिखा रहा है यहाँ पे,
नीचे ऐड करके दिखा रहा है ना यहाँ पे, देखो इसमें फर्नीचर दिया ऊपर वाले में, फर्नीचर नहीं दिया है ना, सेल्स नहीं दिया है, परचेज नहीं दिया है, ये दिया उसमें, हो सकता है टाइप करते समय छूट गया होगा सबसे। हाँ अब चलिए सबसे बेहतर तरीका हम आप लोग समझा दे रहे, देख लीजिए आप लोग ये ऊपर वाले का छोड़ दीजिए, जो नीचे सॉल्यूशन दिया है ना आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, ये सारा छोड़ देना है, बस आपको ये पार्टिकुलर का नाम लिखना है, अपने हिसाब से पहचानना है। डेबिटर्स क्या होगा, डेबिट के तरफ अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिटर्स क्या होगा, क्रेडिट नहीं, अभी हम बोले इसको पहचान, आपको इस पे ध्यान नहीं देना, आपको अपने हिसाब से लिखना है सारा अकाउंट, सब बात तुम ही लोग कह रहे हो, बताओ हम क्या बोले थे, जब सब बात तुम लोग बोल रहे हो फिर हम क्या बोले, बनेगा सुधार हो रहा है, क्या है हम समझा रहे तुम लोगों को ना। हाँ होगा, मत घबराओ, क्या घबरा रहे, हम नोट्स में सही करा रहे हैं ना, जहाँ गलत हम वहाँ सही करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दे रहे हैं, तुम लिख रहा है उस पे ना, इसीलिए तो लिखवा दे रहे सामने, बदनाम करो तुम, क्या करे, पहले यहाँ समझो, पहले तो डेबिटर्स को क्या करना है, क्रेडिटर्स को कैपिटल डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट, ड्राइविंग क्या होगा, डेबिट, कैश बैलेंस डेबिट, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस डेबिट क्यों होगा, क्योंकि बैंक में अभी हम जमा करें तो बैंक पाने वाला हो रहा है ना, और पर्सनल अकाउंट इन सेविंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, देखिए यहाँ पे एक परचेज दिया और दूसरा परचेज रिटर्न, हमने बोला अभी लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में फिर कहिएगा नहीं दोनों परचेज ही दिया, क्या दिया है, परचेज रिटर्न, आपने इतने का परचेज किया 6,000 का, जिसमें किसी कारण से आपने वापस कर दिया कितने रुपए का, 7, अब क्लियर है ना, तो पहला परचेज जहां पे होगा वो अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और जहां परचेज रिटर्न होगा वो अकाउंट, सेल्स क्या होगा, क्रेडिट, और जब उसी को रिटर्न करेंगे वापस करेंगे तो वो अकाउंट क्या होगा, बिल्डिंग्स यानी कि आपका एसेट्स है तो क्या होगा, डेबिट, और रेंट पैड ब्याह वाला तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर एसेट्स है तो क्या होगा, डेबिट, और फिर जब नीचे आए तो दिया है लास्ट वाला क्या, इंटरेस्ट रिसीव, तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है यानी कि इनकम हो रहा तो क्या होगा, तो अब यहाँ पे अमाउंट लिख के और डेबिट क्रेडिट आसानी से पहचान लीजिएगा, हो जाएगा यार, अगर वहां पे नोट्स में गलत दिया तो यहाँ से पहचान के कर ले जाएंगे ना, हो जाएगा, और नहीं तो एक काम कर लीजिएगा सबसे सिंपल तरीका, और एक बार देख लीजिएगा यहाँ नोट्स में ऊपर वाले में क्या नहीं दिया है, जैसे सपोज करिए हमने देख लिया पर्चे नहीं दिया है, तो नीचे आप पर्चे लिख लेंगे उसका अमाउंट लिख लेंगे, क्या कहा यहाँ, हाँ ये तो चल, हाँ मिस्टेक हम तो पहले दिन ही बोले थे, काफी नोट्स में काफी गलत थी, चलो पहले समझो, अब यहाँ पे कैश 6,000 दिया है ना, 6,000 ही नोट कर लीजिएगा, आ रहा समझ में, अब ध्यान दिए हम क्या बता रहे हैं कि जो अगर जो नीचे नहीं दिया है, जैसे इसमें फर्नीचर नहीं दिया है ना, नीचे फर्नीचर लिखिएगा और उसका अमाउंट लिख लीजिए, हो जाएगा, फिर इसके बाद से क्या नहीं दिया है, हाँ पर्चे नहीं दिया है पर्चे लिख लीजिएगा, उसका अमाउंट लिख लीजिएगा, उसके बाद से डेबिट और क्रेडिट पहचान कर लिखिएगा, और नहीं होगा तो अगली क्लास हम खुद आप लोगों से पूछेंगे और यही आप लोगों से सॉल्व करवाएंगे, क्लियर है ना, खुद हम यहाँ पे पूछेंगे आप बताइए इसका ये अकाउंट डेबिट हुआ क्रेडिट, आप लोग जवाब देंगे डेबिट क्रेडिट, तब हम पहचान करके बताएंगे, आ रहा समझ में ना, ताकि उसमें हम भी ध्यान देंगे आप लोग कौन सा डेबिट पहचान और कौन सा क्रेडिट पहचान, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, तो ध्यान रखिएगा आज आप लोग यही करना होगा कि जो अकाउंट नहीं दिया वो अकाउंट ले करके और इसका क्या करना होगा, डेबिट क्रेडिट पहचान के आपको अमाउंट लिख लेना,
हो जाएगा ना। और अभी भी यदि ट्रायल बैलेंस में कोई कंफ्यूजन नजर आएगा इसके डिफिनेशन में, आ रहा है समझ में ना, अगर जिसमें फॉर्मेट में आप लोग प्रॉब्लम नजर आएगी तो कल की क्लास हम एक्सेल में खुद हम यहाँ पे फॉर्मेट बना के दिखाएंगे, आ रहा है समझ में ना। यदि इसके बावजूद भी नहीं समझे तो हम खुद बनाएंगे, और उसके बाद जो हो जाएगा फिर, और जो इसके इसमें कोई कंफ्यूजन फिर पूछ लीजिए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें।